टोटा नहीं पत्थर पत्थर आ रखे पूरा और क्या ब्लॉक ब्लॉक ही समझो आप खड्डा पूरा। अरे यार दे आर जस्ट सेइंग बिकॉज़ ऑफ द पार्किंग फी। ये तो लगा दो दुकान के आगे। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, ज्यादा नहीं है। तो सामने लोग पैदल देख लेते हैं ना कितना कच्चा है रोग। अब निकल कहा ना पार्किंग के लिए बोल रहा था वो, बस उसे पार्किंग के पैसे चाहिए थे। हैं पागल बना रहा था ना। सो हेलो जी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो एक फ्रेश नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज थोड़ी सी आवाज़ हो रही है भारी भारी, क्योंकि अपना जो गला है ना वो अभी हो रखा है ख़राब। बट अभी हम इतनी सुंदर लोकेशन पे है ना कि आपको मेरी आवाज़ से ज़्यादा ये वीडियो पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले आप ये सीन चेक करें। हाँ जी, तो सही समझे आप, हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। एंड आप सोच रहे होंगे ना कि आजकल हम देहरादून से कोई भी वीडियो स्टार्ट नहीं करते हैं, कभी हम लंडौर पहुँच जाते हैं तो कभी ऋषिकेश। यार थोड़ा बहुत चेंजेस ना लाते रहने चाहिए वीडियो में। बाकी आज की जो हमारी वीडियो है ना वो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आपको ऐसी जगह दिखाऊंगा शायद आपने सुनी भी ना हो। एंड अभी हम इतने प्यारी लोकेशन पे हैं, बट जहाँ हम जाने वाले ना वो भी बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है एंड बहुत ही प्राचीन लोकेशन है। तो ऐसी नॉर्मल लोकेशन तो हम आपको दिखाते नहीं है, दिखाएंगे तो कुछ अलग ही दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी रास्ते में मिलते हैं आपसे एंड वहीं पर करेंगे कुछ बातें। तो यार आज थोड़ा ना अपना गला बैठा हुआ है तो आवाज़ थोड़ी सी फटी फटी सी आएगी, प्लीज़ मैनेज कर लेना। एंड ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊँगा आज की वीडियो में। देखो हम इतना ट्रैवल करते हैं, इतना घूमते हैं तो गला तो हमारा कभी कभी ख़राब हो ही जाता है। बट कोई नहीं, आप लोगों के लिए वीडियो आती रहेगी एंड इस फटी हुई आवाज़ में ना आज आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे। बाकी यहाँ पर अपनी गंगा जी, तो जय हो गंगे माता। एंड अभी हम जा रहे हैं झिलमिल गुफा। तो भाई आप में से काफ़ी लोगों ने इस लोकेशन का नाम भी नहीं सुना होगा, झिलमिल गुफा। वाह, सुनने को कितना अलग नाम लगता है झिलमिल गुफा। तो वैसे ये लोकेशन भी काफ़ी अलग है एंड सच बता रहा हूँ आपने शायद ही कोई वीडियो देखी होगी। जो ऋषिकेश से है उसको पता होगा इस लोकेशन के बारे में, बट हम देहरादून वालों को बहुत लिमिटेड लोगों को पता है, क्योंकि ये एक बेसिकली गुफा है जहाँ पे गोरखनाथ जी ने तपस्या करी थी एंड वहाँ पे आज भी उस अग्नि के निशान है। जैसे ही कोई हवन वगैरह होता है या फिर कुछ भी हम आग जलाते हैं तो उसमें से एक काला धुआं निकलता है, तो उसके निशान आज भी वहाँ पे है। एंड हम उस लोकेशन पे जाएंगे एंड आपको दिखाएंगे कितनी सुंदर लोकेशन है, क्या खूबसूरत गलियाँ हैं यहाँ ऋषिकेश की। मतलब मन करता है कि यहीं पे बस जाएं ऋषिकेश में। अभी हम हैं नीलकंठ के रास्ते में एंड जब आप रास्ते में आओगे तो एक बोर्ड दिख जाएगा आपको जो झिलमिल गुफा की ओर जा रहा है। तो यहाँ से ऑफ रोड है भाई, तो अभी काफ़ी मज़ा आने वाला है। चले भाई, ऑफ रोड है पूरा, लोग पैदल जाते हैं वैसे। चलो भाई, आप में से कोई भी आएगा ना पैदल आ जाना भाई, गाड़ी गुड़ी मत जाना। ओ भाई, ओ भाई, खतरनाक ही सीन हो रखा है भाई, बहुत ज्यादा स्लश है। क्या तगड़ा स्लश हो रखा है यार, पैर में लग गया कीचड़। मस्त ट्रेल है यहाँ पे ऑफ रोडिंग का।
भाई देख रहे हो, मतलब जंगल जंगल वाला रास्ता है पूरा खतरनाक। और जो गुफा है ना वो भी बहुत आपको देखने में ऐसे लगेगी कि आप कहाँ ही आ गए हो, आपको देखने में बहुत ही अलग लगने वाली है। एंड मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा यूट्यूबर्स इस चीज़ को कवर कर चुके हैं, बहुत लिमिटेड वीडियोज़ है यूट्यूब पे, और ज़्यादातर ना लोगों ने ब्लॉग की जगह उसको वैसे बना रखा है डॉक्यूमेंट्री टाइप। बट यार अपना काम ना सिर्फ ब्लॉगिंग का है तो हम उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, नहीं तो फिर वो ब्लॉग कम डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा लगेगी। ओ भाई बादल देखो, मतलब तुम ऐसे लग रहा है बादल आ चुके हैं यहाँ पे। एंड आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग वीडियो तो देखते हो बट वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो भाई कमेंट करो ना करो बट लाइक करके ज़रूर जाया करो। एंड पसंद ना आए तो भी बता दिया करो, इम्प्रूव कर देंगे। ओ भाई रास्ता देख सकते हो तुम, क्या खतरनाक रास्ता है भाई। मतलब यहाँ पे ना ऑफ रोडिंग के अलावा कोई बाइक चल नहीं सकती है, देख रहे हो भयंकर। पार्किंग बोलो हमारी तो चली जाएगी, कितनी खराब होगी। रोड खराब है ना, मना कर रहे हो। देख लेते हैं ना कितना कच्चा है रोग, अब निकल तो जाएगी वैसे। भाई ये लोग ना यार देखो बुरा मत मानना बट जो आसपास के लोग है ना वो कहना कि थोड़ा बहुत स्कैम करने की सोचते हैं। स्कैम भी क्या, मतलब झूठ बोलते हैं कि आगे रास्ता ख़राब है, पत्थर आ रखे हैं। भाई इतने पत्थर पुत्थर कोई नहीं आ रखे हैं, हम ऑफ रोडिंग बाइक से इतनी तो आराम से चली जाती है। मैंने कहा ना पार्किंग के लिए बोल रहा था वो, बस उसे पार्किंग के पैसे चाहिए थे। हैं पागल बना रहा था ना, यही है ना रास्ता। तो लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क हो चुकी है और नीचे थोड़ा पैदल रास्ता है, बाकी पहले प्रसाद ले लेते हैं फिर चलते हैं। या मैं नीचे रोक रहे थे, वो कह रहे थे यहीं खड़ी कर दो, मैं समझ गया था। मैंने कहा भाई रास्ता रुस्ता इतना ख़राब नहीं होगा जितना ये चाह रहे हैं कि हम पार्किंग में लगा के 20 रुपये ले ले। नीचे पार्किंग बना रखी है उन्होंने, यही गाड़ी रोक देते हैं। हाँ बहुत ट्रैक था वहाँ से, बट हमने तो भाई पूरी एंड तक चढ़ा दी गाड़ी जहाँ तक आ सकती थी। यहाँ भी आ जाती बट यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क था, इतना भी रिस्क नहीं, 5 मिनट है यहाँ से गुफा का रास्ता। बाकी अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं। Oh, 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 oh
हम टेंपल विजिट करके आ चुके हैं एंड अंदर से ना आपने देखा कि मतलब लाइट्स वगैरह भी नहीं है ज़्यादा के लाइट्स है ही नहीं। जो गुफा में ऊपर जाके वो जो पहाड़ का जो सुरंग सा है ना जहाँ से मतलब रोशनी आती है उसकी रोशनी आती है एंड अंदर शूट करना भी ज़्यादा अलाउड नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं करा। मेन आपको ऐसे ही दिखा दी गुफा मैंने। बाकी यार बहुत पीसफुल जगह है, अपने भोलेनाथ की कोई सी भी जगह हो पीसफुल तो होती है। बाकी यहीं पे नीलकंठ मंदिर भी है, तो जी अगर आप आते हो नीलकंठ मंदिर तो यहाँ पे ज़रूर आना क्योंकि यार ये बहुत अलग है मतलब नीलकंठ मंदिर के रास्ते से, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको यहाँ आके भी। तो अभी तो गले की हालत हो रही है ख़राब, तो ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं कर रहा हूँ एंड अच्छे से शूट भी नहीं कर पाया। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए सॉरी अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी चुभ रही हो, बाकी क्या करें, हमने ज़रा लिंडोर वाले व्लॉग में थोड़ा गा लिया था ना तो हमारी आवाज़ को नज़र लग चुकी है। बट मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड जय भोले।